यीशु मसीह ने अनेक अनेक काम करस। बहुत लोग उरुक पीछे होवा लग रहा, तो अभी जब प्रभु यीशु मसीह ने हुनस कहस, तुम्ही सब पापी हो। जो दुष्ट लोग हुआ था, उन्होंने हुना से का किरण घृणा करन। हुना के लोग सरदार जो पंचदा बहुत यानी कि ईर्षा धरदा था, हुना ने कभी ऐसो स्वीकार ना करन के वो यीशु मसीह को पुत्र है। हुने उरो यीशु मसीह को पकड़वान, हुना के विरुद्ध उन्हें झूठ बोलन और हुना को मारन और हुना मूड़ो मा कांटों का वो मुकुट धरन और हुना के मजाक उड़ब लग रहा। पर प्रभु यीशु मसीह ने हुना विरोध कभी न करस। पुजार दो दू वो ऐसो हो सी गु उरुक दुख उठावक पीछे ईश्वरी योजना दी। तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह को क्रूसो मा चढ़ारो गौ। तब तक उरोकू उरो क्रूसुम चढ़ाव रख रहा जब तक वो मरना गो। उरो के साथ दो डाकू हुना को वे यीशु मसीह प्रकार से हुना को दंड दीनो गो। ऐसी मृत्यु दंड यानी कि हुना को परंपरा दी। पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध ना कर दी, पर वो जगतों को पापों के लीने उन्होंने दाम चुकावा के लीने वो हिया बलिदान हो रो। हमी ने बहुत पाप कर रो है और हमें अपना पापों के खातिर मरवो चाहिए, हमो जो दंड मिलो चाहिए दो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर में ले लिस। अगर हमी मान लें कि हमी पापी हाँ और हमें अभय अपना पापा से का करना मोह मोड़ लेना हाँ, तो परमेश्वर हमा को क्षमा कर दे सी। प्रभु यीशु मसीह को अपनो एक मात्र परमेश्वर और उद्धार करता के रूपों में माने, तब आप उद्धार पासी होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो बैरी दा होने सोचन के हुरो को हमें मार दीनो है, परंतु ऐसो ना हो रो। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरवक बाद उरो के मित्रों ने उरो दोस्तों ने उरो की देह को उरा गुफा में धर दिस और गुफा के सामे एक पत्थर धर दिस। दो दिन बीत गवा, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठ रो। जब कुछ नजकिए उरा कब्रे में आ रही उन्हें देखन कि पत्थर लड़क रो है गो और देखन कि यीशु मसीह हुआ ना है गो। दो स्वर्गदूत हुनऊ कुछ संदेश बतावक लिन बैठा था, हुना कार्य बतान के प्रभु यीशु मसीह हिया ना है गो, परंतु वो अब जी उठ रो है गो। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठ रो, तब उन्होंने इरा बातें को स्पष्ट कर दिस कि वो ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है गो, वो हमेशा हमेशा रह सी गो, वो शैतान और मृत्यु से भी बढ़कर सामर्थ्य है गो। प्रभु यीशु मसीह जी उठवक बाद कितने दोसा ने उरु यीशु मसीह देखन, हुना से बात करन, हुनक साथ खान। थोमा जो हुना दोसा से एक दो विश्वास ना करस कि प्रभु यीशु मसीह फिर जी उठ रहे। और उन कहस, जब तक मैं तेरा हाथ आकू जो छिंदरा हाथ है उन्हों जब तक छूसू ना, जब तक विश्वास ना करवक। तब प्रभु यीशु मसीह उर बंद कमरा में ठाड़ो होकर थोमा को दिखाई दिस। थोमा को सब संदेह वो दूर हो चुकरो दो। तब प्रभु यीशु मसीह चरण में गिर पड़। तब यीशु मसीह उन कहस, धन्य ही बे जिन्होंने मैं को ना देखा नहीं तो भी विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठोक बाद 40 दिनों के भीतर प्रभु यीशु मसीह अनेक लोगों दिखाई दिस। होने गवाही दिन कि वह जी उठ रो है वो। इरुक बाद प्रभु यीशु मसीह अपना पिता के पास जावे के लिए तैयार दो, क्योंकि वो जीरो कारो के लिए नार दो वो पूरा हो चुको दो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना दोस्त अपना चेला से कहस, तुम इरो सुसमाचारों को प्रत्येक जगह गांव गांव और प्रत्येक लोगों को सुनाई, जैसे कि शिष्यों ने जो चेला ने उन्हें देखन। प्रभु यीशु मसीह इरो जगतों को छोड़ के और स्वर्ग में चलो गो। फिर दो वे स्वर्गदूत यहाँ आ रहा और कहवा लग रहा, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों को गोगरो उसी प्रकारों से फिर प्रभु यीशु मसीह इरो जगतों में आसी गो। फिर दो स्वर्गदूत वहाँ बार रहा और कहवा लग रहा, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह रो स्वर्गों को गो उसी प्रकारों से प्रभु यीशु मसीह फिर रो जगतों में आसी गो।
प्रभु यीशु मसीह हम दौड़दा हा कि क्यों न गुजरू। प्रभु यीशु मसीह यहाँ टिकदा हा कि हमारे पापों के लेने क्रूसों में बलिदान हो गया न गुजरू। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम निर्दोष दो मियाँ हम दौड़दा कि जो हमारे पाप छीतर दा उन्हों खुटावक लीने वो न गुजरू। जो परमेश्वर से हम अलग कर दू क्रूस हम याद दिला दी हो गए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को निर्दोष मेम ना दू जो हमारे लीने क्रूसों बलिदान हो बार गो। जब हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हाँ और आगे बढ़ना जब हम प्रभु यीशु मसीह अपनाना और उन्होंने पापों छुड़वाड़ता हाँ तब हमारे जो पाप ही वे सब क्षमा तीनों जान हुई और तब हम परमेश्वरों का हमेशा लीने और घरों परिवारों खौदी बरड़ जाना। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी बारिश की कि जीवनों में दो रहेलिए और अंतिम परिणाम स्वरूप हो गए। वो खौदमी जो प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत मतलब कि रोके समीप ना आके ना जलवारस वो उरा रास्ता में जो चौड़ी और बहुत बड़ी है बरहेली ऐसी हो गए जो मृत्यु कोड़ी ले जाती और हुआ डार दे दी जो मनुष्यों को एक तरीका और स्वभाव हो गए। हम ही जन्मस और अपना स्वभाव से दोनों पापी हैं तो बिया हम ही तोड़ा तो एक रहेली ऐसी हो गए जो क्षमा शांति और आनंद दिब्बार दी हो गए वो है सकड़ी मतलब की हल्की रहेली। हम ही उर्म जावक लीने अपना पाप और जो हमारी इच्छा पैदा होती है हमारे अंदरों से और उन्होंने कुछ भी हो गए और जो हमारे विश्वास जो संपूर्ण विश्वास हो गए जो हमारे तन मन हो गए फिर प्रभु यीशु मसीह में आकर्षित होना चाहिए। यीशु लखास मैं ही द्वार होगू प्रभु यीशु मसीह लखान दे अगर मैं हो के जो जब्बार दो हो गए रु शांति और उद्धार मिल सी गो और जो हल्की रास्ता जो सकड़ी रास्ता रहेली जो हो गए उन्होंने चलवक लीने उर्ग लीने बतानी है बाइबिल के रुख कोई न्याय ना हो बार वक्त क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनक लीने पुरुषम जो बलिदान दिबारस हो गए पुरुष लहू द्वारा हमें सब दोहरा गवाहा। यदि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह जानव चाहता और आगू चाहता हो तो तुम्हें प्रार्थना इस प्रकार कह सकता हो तो मेरे पीछे रे तेरे बुलवारो और कहो हे प्रभु मैं जान दो हूँ कि मैं बड़ो चिबड्डो पापी हूँ मैं विश्वास कर दो हूँ कि यीशु मसीह ही हमारे लीने कुरुसम चलोगो और लुकुचगो मैं कुछ क्षमा कर और अपनी धुड़ी लिब्बार और मैं कु शुद्ध और पवित्र कर दो मैं कु एक अपना घरों सदस्य रणा लो मैं प्रभु यीशु मसीह की छेले या बार भी चाहूँ हूँ और मौतिक बादों में मैं तेरे संगे स्वर्ग में रहू चाहूँ हूँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता यदि तुम्हें ऐसी प्रार्थना करता हो सच्चा मनो से तो तुम्हें हल्की रहेलियों में प्रवेश कर चुका हो जो शांति दया और मुक्ति युग रहेली हो गए वो हर एक तेरी परमेश्वर जनवार दो जो हमारे हृदय और दिलों में रह रही है।